टीकमगढ़ के चकरा निवासी नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। इस क्षेत्र में ना तो सड़कें हैं, ना ही पीने के पानी और शौचालय की समुचित व्यवस्था है। चकरा आदिवासी हरिजन बहुल इलाका है। यहाँ के सरपंच और सचिव को सिर्फ आदिवासियों के वोट से मतलब है। इन सबसे नाराज ग्रामीणों ने समस्या हल नहीं करने पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। चकरा आदिवासी हरिजन बहुल इलाके के निवासी शासन और प्रशासन की अनदेखी के चलते नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। ये आदिवासी सिर्फ नेताओं के लिए वोट बैंक है। यहाँ ना सड़कें हैं, ना ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पर शौचालयों का निर्माण किया गया है। ग्रामीण आज भी खुले मैदान में शौच जाने में मजबूर हैं। यहाँ के सचिव और सरपंच ग्रामीणों की सुध लेने नहीं आते। इलाके के सरपंच इमरत यादव कई सालों से ग्रामीणों को नजर ही नहीं आए। मोहल्ला के निवासियों को पीने के पानी के लिए 1 किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाना पड़ता है। जब इस संबंध में हमने ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने अपनी परेशानी बताई और कहा, यदि प्रशासन ने हमारे इलाके पर ध्यान नहीं दिया तो समस्त चकरा निवासी चक्का जाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मुश्किल में निकल रहे हैं, कीचड़ में, दलदल में डेली निकल रहे हैं, परेशान है पूरे गांव, परेशान है जो मोहल्ला पूरा और चकरा मोहल्ला। एक भी शौचालय नहीं है पूरे गांव में, नहीं है। तो बेचारे बाहर जाते हैं सुबह शाम, परेशान हो रहे हैं दलदल में। ये समस्या है सर, कहना हमारे यहाँ कोई रोड है और ना कोई नाली है जी। और हम लोग ये दलदल में रोज निकलते हैं जी। हमारे बच्चा रोज गिर रहा है, बूढ़े बुजुर्ग गिर रहा है, निकल ही नहीं पा रहा है, लेटरिंग खो जा रहा है तो परेशान है, खेत पे जा रहा है तो परेशान है, घर में घुस रहा है तो परेशान। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।